गाइस सबसे पहले ही मैं आप लोगों को प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ मेरा करेंटली अभी हेडशॉट रेट कितना है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो मेरा करेंटली अभी हेडशॉट रेट है 90.60% और मेरा 2 का केडी भी है और ऊपर से मैंने 700 किल्स भी कर लिया है। और गाइस ये मैं बहुत जल्दी 95% हेडशॉट रेट भी कर लूंगा। अच्छा गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करता हूं ताकि मेरा जो हेडशॉट रेट है वो 90% अप रहता है। अब गाइस देखो 90% है ये आप लोग 95 भी कर सकते हो, मतलब जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बोलूंगा ना मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स है यार, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके। और गाइस ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ हेडशॉट रेट ही बढ़ेगा, आपका केडी भी बढ़ जाएगा। जैसे मेरा 2 का केडी भी रहता है तो 2 का केडी, 90 का हेडशॉट रेट, 95 का हेडशॉट रेट। आपका प्रोफाइल कितना ज्यादा ओपी लगेगा जस्ट इमेजिन करो। अगर कोई बंदा आपके प्रोफाइल में आया और वो अगर सीएस रैंक का स्टैट्स देखा तो अगर देखा 90 का हेडशॉट रेट प्लस है 2 का केडी भी है तो लिटरली वो आपको हैकर बोल देगा। बट आप लोग हैकर नहीं हो, आप लोग हमने स्किल्स की वजह से ये अचीव किए हो। और मैं आप लोगों को हेडशॉट रेट बढ़ाने का एक बेनिफिट बोल देता हूं। देखो गाइस हेडशॉट रेट एक ऐसा चीज है ना जो लिटरली हर एक बंदा बढ़ाना चाहता है बट बढ़ता नहीं है, बहुत कम जन का ही बढ़ता है, बहुत जन का यार 70-60 ऐसा होता है। बट जिसका मतलब 85% प्लस हो या फिर 90% प्लस हो ना उसका अलग ही रिस्पेक्ट रहता है। तो अगर आप लोग 90% प्लस अपना हेडशॉट रेट कर लिए तो गाइस आपका अलग ही एक रिस्पेक्ट बन जाएगा, मतलब ये सोचेगा ये बंदा यार सिर्फ हेड ही मारता है और बहुत ही ज्यादा तगड़ा खेलता है। सो गाइस अगर आपका हेडशॉट रेट नहीं बढ़ता है तो गाइस एकदम ही टेंशन मत करो, आपका भाई है ना गाइस, मैं आप लोगों को फुल सब कुछ बोल दूंगा क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है सब कुछ गाइस मैं आप लोगों को बोल दूंगा। सिर्फ गाइस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देना क्योंकि गाइस अगर आप लोग एंड तक नहीं देखे वीडियो को अगर स्किप कर दिए ना तो गाइस आप लोग समझ नहीं पाओगे। और गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 5K लाइक्स से एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 5K लाइक्स का। तो गाइस जो जो बंदा देख रहे हो सभी गाइस प्लीज लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस देखो अभी चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है और मतलब बहुत जन के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है मेरे वीडियो का, तो गाइस अगर आपके पास मेरा चैनल मतलब मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है ना तो आप लोग एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ना यहाँ से ऑन कर देना, इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस चलो अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर बढ़ते, बट उससे पहले आप लोग मेरे को एक चीज कॉमेंट कर देना कि आपका अभी करेंटली हेडशॉट रेट कितने, आपके अगर 60 हेडशॉट रेट है, 65 हेडशॉट रेट है, जो भी हेडशॉट रेट है फटाफट कमेंट कर देना। सो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है वो है गाइस मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं जो कि अगर आप लोग फॉलो करोगे तो गाइस आप लोग का मतलब 2 का केडी भी रहेगा और आपका हेडशॉट रेट भी 90 प्लस रहेगा, 90 प्लस 95 100% भी रहेगा अगर आप लोग सब कुछ हेडशॉट मारोगे तो, बट 100% यार मारना तो टफ है, 90 से ऊपर ही रहेगा। देखो गाइस आप लोगों को पर मैच मिनिमम 4 किल्स आप लोगों को करना है और चारों के चारों किल आप लोगों को हेडशॉट से करना है। और गाइस आप लोगों को एक बार भी मरना नहीं है, मतलब डेथ जो है आपका वो मतलब हर एक मैच में 0 होना चाहिए, इससे गाइस आपका इजीली 2 का केडी हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 अगर किल करोगे। और एक बार भी अगर मरोगे नहीं और अगर मैच जीत गए तो गाइस आपका 2 का केडी इजीली हो जाएगा। और अगर आप लोग मतलब सब बंदे को हेडशॉट मारोगे तो गाइस इजीली आपका 90% हेडशॉट रेट हो ही जाएगा ना। तो गाइस मतलब ज्यादा रश मत करो, थोड़ा सा होल्ड करके खेलो यार, हेडशॉट रेट अगर बढ़ाना है तो गाइस थोड़ा सा होल्ड करके खेलो और यार ज्यादा ट्राई करो कि ज्यादा मरना मत और ट्राई करो कि मैच जीतने के लिए, और कम से कम के लिए भी करोगे तो चलेगा, मिनिमम 4 के लिए यार करो और देखना कितना हेडशॉट रेट बढ़ेगा आपका। इसके बाद जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है गाइस नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब गाइस देखो हर एक बंदे का एक अलग स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस होता है। जैसे गाइस मेरा स्ट्रेंथ मैं बोल देता हूं, मेरे को गाइस मिड रेंज में हेडशॉट मारना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मतलब मैं 100% या 200% में मिड रेंज में अगर कोई बंदा आया तो गाइस मैं इजीली वन टैप दे पाऊंगा। बट गाइस एकदम शॉर्ट रेंज में या फिर एकदम लॉन्ग रेंज में मारना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो गाइस मैं ज्यादा मिड रेंज फाइट ही लेता हूं। तो गाइस आप लोग को जिस जगह पे या ज्यादा आपका हेडशॉट लगे मतलब ज्यादा कंफर्टेबल हो आप लोगों को उस मतलब उधर से ही रह के फायर करना है। बहुत जन को मिड रेंज में अच्छा मारना आता है, बहुत जन को लॉन्ग रेंज में मारना आता है, बहुत जन को शॉर्ट रेंज को मारना आता है, बट गाइस मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग ज्यादा मिड रेंज फाइट ही लो क्योंकि मिड रेंज में इजीली हेडशॉट लगता है। तो गाइस आप लोग ऑलवेज ट्राई करो कि मिड रेंज फाइट लेने के लिए। गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है ये गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि गाइस आप लोगों को रैफेल लेना है, रैफेल गाइस आप लोगों को ऑल टाइम लेना है। और गाइस आप लोगों को वुडपेकर गन चलाना है, वुडपेकर AC-80 ये दोनों गन चलाना है। और गाइस इन दोनों गन से अगर आप लोग वन टैप दे दिए किसी बंदे को तो हेडशॉट पे तो नॉक हो जाएगा। बट गाइस आप लोगों को क्या करना है यार, आप लोगों को उसको फिनिश नहीं करना है, वो 2-3 सेकंड में ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। तो गाइस मतलब कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि आप उसको नॉक करोगे आपको किल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर रिवाइव दे दिया बाई चांस तो एक टेंशन होता है, उससे अच्छा आप लोग रैफेल ले लो। अगर किसी बंदे को हेडशॉट से नॉक करोगे तो 2-3 सेकंड में ही वो फिनिश
फिनिश हो जाएगा और आपका हेडशॉट का किल आ जाएगा। और आप लोगों को मैं और एक भी मतलब और कुछ बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी बता देता हूँ हेडशॉट रेट बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो रैफेल मैंने आप लोगों को बोल दिया, उसके बाद आप लोगों को दशा कैरेक्टर लेना है, फिर गाइज लौड़ा कैरेक्टर लेना है, और गाइज आप लोगों को डीबी कैरेक्टर लेना है। ये कैरेक्टर है हेडशॉट रेट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, मतलब हेडशॉट आपका इजीली लगेगा, तो आप लोग ये कैरेक्टर ले सकते हो। इसके बाद गाइज जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है डोंट फायर ऑन डैमेज एनिमी। अब गाइज देखो आप लोग तो हैकर नहीं हो कि जो भी मारोगे हेड ही मारोगे, हेड के सिवा कुछ नहीं मारोगे। देखो गाइज आपका बॉडी में भी डैमेज आ सकता है, तो गाइज अगर आप लोग किसी बंदे को बहुत ही ज्यादा बॉडी शॉट में डैमेज दे दिया ना, तो गाइज आपको उसको मतलब उसके ऊपर रश नहीं करना है, उसके ऊपर और फायर नहीं करना है, उसको यार मेडिकेट लगाने का टाइम देना है, क्योंकि यार मेडिकेट वो लगा लेगा तो उसका फुल हेल्थ हो भी जाएगा और आप लोग हेडशॉट फिर इजीली देके मार सकते हो। और बाई चांस अगर वो बंदा यार बॉडी में ही नॉक हो जाता है ना, तो गाइज आपको उसको रिवाइव होने देना है, मतलब उधर से भाग जाना, दूसरे किसी साइड आ जाना, ताकि वो बंदा रिवाइव हो जाए और रिवाइव होने के बाद आपको उसको हेडशॉट मारना है। गाइज जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है वो है आप लोगों को स्कोप का यूज नहीं करना है। देखो गाइज अगर आप लोग स्कोप खोल के बंदे को मारते हो ना, तो गाइज आपका मतलब हेडशॉट लगने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो उससे अच्छा है यार नॉर्मल ड्रैग करके बंदे को मारो, मतलब स्कोप पिन ड्रैग मत करो, नॉर्मल ड्रैग करके बंदे को मारो। गाइज जो सिक्स नंबर ट्रिक है वो है गाइज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे गन बता दे रहा हूँ जो कि यार हेडशॉट मारने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे और आपका हेडशॉट रेट बढ़ाने में भी हेल्प करेंगे। अब गाइज देखो आप लोग को अगर शॉटगन से वन टैप मारना आता है ना, तो ही गाइज आप लोग शॉटगन लो, वरना यार शॉटगन मत लो, यूएमपी लो, यूएमपी MP40 ये सब गन लो। शॉटगन अगर मेरा बात मानो तो शॉटगन थोड़ा सा अवॉइड करो शॉर्ट रेंज फाइट के लिए, उससे अच्छा आप लोग यूएमपी ले सकते हो। यार यूएमपी से कितना तगड़ा हेड लगता है आपको तो पता ही है, और MP40 से भी अच्छा खासा हेड शॉट लग जाता है। और लॉन्ग रेंज के लिए आप लोग ऑलवेज वुडपेकर या फिर AC-80 लो, ये दोनों गन यार बेस्ट है। और अगर आप लोग को लॉन्ग रेंज में वन टैप देना थोड़ा हार्ड लगता है, तो वैसे आप लोग ऑग ले सकते हो, ऑग भी बहुत ही ज्यादा एक ओपी गन है, तो आप लोग ऑग भी ले सकते हो। और आप लोग डेजर्ट ईगल तो है ही भाई, डेजर्ट ईगल तो इसको कैसे भूल सकते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए तो डेजर्ट ईगल है ही, तो ये गन कॉम्बिनेशन आप लोग ले सकते हो जरूर से। सो गाइस देखो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स था जो कि अगर आप लोग फॉलो करते हो ना, तो गाइस आपका हेडशॉट रेट एकदम रॉकेट की स्पीड के जैसा बढ़ेगा। सिर्फ गाइस आप लोग को ये फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो देख लिए और सोचे कि भाई मेरा हेडशॉट रेट बढ़ जाएगा, आप लोग फॉलो नहीं किए, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना है। और बाय द वे मतलब अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो गाइस 5K लाइक्स का एम रखते हैं, प्लीज 5K लाइक्स कंप्लीट करा देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जब से ऑन कर देना। और गाइस इस वीडियो को ना हमने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना, गाइस क्या कर रहे हो प्लीज शेयर कर देना। और गाइस अगर आप लोग को मेरे से कुछ क्वेश्चन करना है, तो गाइस कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, जो भी चाहो आप लोग पूछ सकते हो। और गाइस अगर आप लोगों को CS रैंक पुशिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो गाइस आप लोग राइट वाली वीडियो जरूर से देखो।